मैं मनुष्य बनकर के आऊंगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज आवता। वह नहीं लिखा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह देव अवतार, लिन्ह विप्र अवतार, लिन्ह भक्त अवतार, तो लिन्ह हरि अवतार, लिन्ह प्रभु अवतार नहीं लिखा। क्या लिखा है? लिन्ह मनुज अवतार। राम ने हर बार अपने आप को मानव बताया। राम मानवी लीला करता है, दुख आता है तो रोता है, सुख आता है तो मुस्कुराता है, वो दुखी भी होता है सुखी भी होता है। राम कभी रोता है कभी हंसता है, कभी भाई की जब शक्ति बाण लगता है तो भाई को देख करके रोता है, सीता का हरण होता है तो राम रोता है, याचना करने पर सागर जब राह नहीं देता तो राम को क्रोध भी आता है। तो राम ने जितनी लीला करी ना वो सब मानवीय लीला थी। जैसे मानव थोड़े से में दुखी हो जाता है, थोड़े से में सुखी हो जाता है, कभी कुछ मिलने से बहुत प्रसन्न हो जाता है, खो जाने से बहुत दुखी हो जाता है, ना खाने से भूख लगता है, अधिक जगने से निद्रा आती है, तो ये जो प्रकृति है मानव की यही लीला राम ने करी। नारी बिरह दुख लहै अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। रामावतार में प्रभु ने जितनी लीला करी ना वो सब एकदम साधारण लीला थी। कभी राम ने ब्रह्म का परिचय नहीं दिया अपना कि मैं ब्रह्म हूं मैं भगवान हूं, कभी नहीं बताया। आप लोग तो राम कथा सुनते होंगे, राम जी के जीवन को जिया होगा, पढ़ा होगा, कहीं पर राम ने कहा क्या कि मैं भगवान हूं? राम हर जगह दूसरे को ही महत्व देता था। राम ने कभी अपना परिचय ब्रह्म रूप में नहीं दिया। यहां तक है राम जब वनवास यात्रा में थे, हनुमान जी बानर बनकर ब्रह्मण बनकर के गए थे, बानर परिचय पता करने के लिए बाली ने भेजा था कि जाओ देखो वो दो जो पुरुष आ रहे धनुष बाण लेकर के ऋषिमुख पर्वत की ओर, वो दोनों कौन? हनुमान जी जब ब्राह्मण बनकर के गए, हनुमान ने पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम कौन हो? एक श्यामल है एक गौर है, और ऐसे कठिन भूमि में तुम दोनों विचरण क्यों कर रहे हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन ही तो विचरो बन स्वामी। तब उस समय राम ने ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं मैं भगवान हूं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, या हरि निश्चर वैदेही। राम ने क्या परिचय दिया? हम दशरथ के बेटा हैं, हम राम और लक्ष्मण हैं। ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और कहता है कि मेरी पत्नी का हरण हो गया उसे ढूंढने निकला हूं। यहां हरे निश्चर वैदेही, मेरी पत्नी वैदेही का हरण कर दिया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। समुद्र के पास में गए तो हाथ जोड़ लिया, हे सागर देवता हमें उस पार जाना है, हमें रास्ता दे दो। ये राम है, सारी दुनिया जिनके सामने हाथ जोड़ती है वो राम एक समुद्र के सामने हाथ जोड़ रहा है। उसके पहले भी कई बार हाथ जोड़ा, सुनो, उसके पहले भी केवट के सामने राम मांग रहा है। सारी दुनिया राम से मांगती है,
और राम केवट से मांग रहा है, मांगी नावेन केवट आना, कहई तुम्हारे मरम में जाना। बार बार केवट से मांगता है, ओ केवट नाव ले आओ हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। भगवान बार बार मांग रहा है और वहां सागर के सामने विनती कर रहे हैं, विनय न मानत जड़ दिजल गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। वहां भी राम ने भगवान होने का भगवत्ता नहीं दिखाया और राम ने समर भूमि में रावण जैसे आताताई का वध भी कर दिया। अब जब राम लंका से अयोध्या लौटे तब ये नहीं कहा कि मैंने रावण को मारा है। जब अयोध्या आए ना तो गुरु वशिष्ठ, कौशल्या, सुमित्रा, अंबा केकई, भरत जी सबसे यही कहा राम ने, गुरुदेव ये जितने बानर भालू हैं ना इन सबके सहयोग से मैंने विजय पाया। सोचो कैसे होंगे राम। राम कभी अपनी महिमा का बखान नहीं करता, मारने वाले तो राम है हाँ, लेकिन राम ने नहीं कहा कि मैंने मारा। राम ने क्या कहा, इन बानर भालुओं के सहयोग से मैंने विजय पाया। ऐसे हैं मेरे राम जो दूसरे का सम्मान करते हैं। सुनो, यहां जब अपनी माताओं को, गुरु वशिष्ठ को और अयोध्या वासियों को बताना था तब ये कहा कि मैंने बानर भालू की सहायता से विजय पाया, और जब बानर भालुओं को बताना था तब कहा कि मैं गुरु वशिष्ठ देव की और विश्वामित्र भगवान के आशीर्वाद से विजय पाया हूं। सब ही मान प्रद आप मानी, कहीं राम ने अपने भगवत्ता का दर्शन नहीं कराया। लेकिन एक और मेरा कृष्ण है, एक और कृष्ण है जो जन्म लेते ही तीन दिन नहीं